My name is Abir Zafar, and right now I'm going to teach you English. Okay, let's start with, first of all, मैं start करूँगी सबसे पहले introduction से, बिल्कुल जो उसका introduction होता है. मैं आपको बता दूँ, जिस exams की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम्स में आपकी ब्रिटिश इंग्लिश यूज़ होती है. हमारे इस वर्ल्ड में बहुत सारी इंग्लिश है. फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रिटिश इंग्लिश. हेलो, अमेरिकन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश. जो मैं आपको यहाँ पे तीन चीज़ें बताऊँगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हम इंग्लिश यहाँ पे पढ़ेंगे वो ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ेंगे. इंग्लिश काफ़ी टाइप की हैं. एक है ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, और भी काफ़ी सारी हैं. लेकिन जो हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे वो सबसे ज़्यादा करेंगे हम ब्रिटिश इंग्लिश पे. इंडियन इंग्लिश, इसमें काफ़ी गलतियां होती हैं, तो इसके ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे. क्योंकि जिस एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें प्रॉपर ब्रिटिश इंग्लिश आती है, कोई और इंग्लिश नहीं आती. अमेरिकन इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है. तो मैं आपको बताती रहूँगी, जितने भी मेरे सेशंस होंगे यहाँ पे, उसमें मैं आपको बताती रहूँगी कि कौन से ब्रिटिश इंग्लिश है और कौन से अमेरिकन है और कौन से इंडियन है. और ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. अगर आप कहीं बाहर से कोई मटेरियल लेके पढ़ते हैं या कोई बुक्स लेते हैं, तो सिर्फ जो ब्रिटिश ऑथर्स हैं उन्हीं से, जिन्होंने बुक्स लिखी हैं वही लेनी. वही, हेलो, जो ब्रिटिश ऑथर्स हैं, तो ब्रिटिश ऑथर्स हैं, उन्होंने जो बुक्स लिखी हैं आप उन्हीं को कंसर्न कर सकते हैं. जैसे एक है रेनन मार्टिन है, जिसको आप पढ़ सकते हैं. और दूसरी है कैम्ब्रिज, इंग्लिश ग्रामर. इन बुक्स में को आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं. उसके अलावा आपको कोई भी कंसल्ट नहीं करने हैं. ये बुक्स हैं जो आप कंसल्ट कर सकते हैं. बाकी जो इंडियन ऑथर्स ने लिखे हैं, इंडियन ऑथर्स हैं आपको उनको बिल्कुल भी कंसर्न नहीं करना है. अगर आपको चेक करना है कि ऑथर, अगर आप कोई बुक देख रहे हैं, तो सिर्फ एक वेबसाइट है, विकिपीडिया, जिसके बारे में सभी को पता है. wikipedia.com पे आप जाके ऑथर का नाम टाइप करिए, वो फर्स्ट लाइन में ही बता देंगे कि वो ब्रिटिश ऑथर हैं, इंडियन ऑथर हैं, या फिर अमेरिकन हैं, जो भी हैं. अगर वो ब्रिटिश ऑथर्स हैं तभी आपको उनकी बुक्स पढ़नी है, बाकी कोई और बुक्स नहीं पढ़नी है. ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इंग्लिश में. सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको पढ़ाऊँगी वो है सब्जेक्ट. ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं आता है. सब्जेक्ट जो है, ये कोई भी जिसके बारे में हम बात करते हैं, ये वो होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सेइंग मोहन इज प्लेइंग, तो यहाँ पे हम मोहन के बारे में बात कर रहे हैं. तो मोहन यहाँ पे सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट ज़्यादातर नाउन या प्रोनाउन होता है. अब ज़रूरी नहीं है कि वो कोई इंसान ही हो. वी कैन टॉक अबाउट एनिमल्स, जैसे कि एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल. यहाँ पर एलिफेंट के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है. ठीक है, अब आते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पर. इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, देर आर 8
parts of speech. First is noun, second is pronoun, third is verb, fourth is adverb, fifth is adjective, sixth is preposition, seventh is conjunction, and eighth is interjection. ये एट पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरी इंग्लिश बनाते हैं और इनको प्रॉपर तरीके से सीखना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वर्ब समझना, प्रेपोजिशंस और एडजेक्टिव्स लर्न करना. जो इंग्लिश का पेपर है उसमें ये वर्ब, एडजेक्टिव एंड प्रेपोजिशन सबसे ज़्यादा आते हैं और सबसे ज़्यादा होता है प्रेपोजिशन का यूज़. ओके, अब हम एक एक करके इन सब चीज़ों के बारे में सीखेंगे. फर्स्ट इज नाउन. नाउन जो होता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑब्वियसली, और ये जो होता है इट इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, एनिमल, थिंग. ये सारी चीज़ें नाउन होती हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ सोहन, तो ये एक इंसान का नाम है, तो ये नाउन है. सेकेंड अगर मैं कहूँ ताजमहल, तो ये भी एक इंसान का, ये जगह का नाम है, तो ये भी नाउन है. एनिमल्स ऑब्वियसली कोई से भी ले लो, कैट, ताजमहल, थिंग. फॉर एग्जाम्पल टेबल हो गया, चेयर हो गई, ये सारी चीज़ें नाउन होती हैं. अब इनमें से अलग अलग तरीके के नाउन्स होते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन्स. First is common noun, second is proper noun, third is countable noun, fourth is uncountable noun, fifth is abstract noun. आपको इन फाइव के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करना है. कॉमन नाउन, कॉमन नाउन जैसे कि अ टेबल. एक टेबल बहुत सारी हैं, तो ये एक कॉमन नाउन हो गया. चेयर हो गया, पेन हो गया, ये सारी चीजें कॉमन नाउन में आती हैं. इसका हम ऑपोजिट देखते हैं, प्रॉपर नाउन.
अगर मैं कहूँ अमेरिका, तो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही कंट्री है जिसका नाम है अमेरिका, तो ये है प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर मैं कहूँ कंट्री, तो दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो वो हो गया कॉमन नाउन। अगर मैं कहूँ ताजमहल, तो पूरी दुनिया में ताजमहल एक ही है, तो वो प्रॉपर नाउन है। अगर उसकी जगह मैं कहूँ बिल्डिंग, तो दुनिया में बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, तो वो हो गया कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन वो होता है जो एक, जो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं उनको हम कॉमन नाउन बोलते हैं, और जो दुनिया में सिर्फ एक ही हैं उनको बोलते हैं हम प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनको समझना ज़रूरी होता है। फिर काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में जो चीज़ें हम काउंट कर सकते हैं उसे हम काउंटेबल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से पेंसिल, इरेजर, अ चाइल्ड, ये इन सब को हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल में जैसे पानी है, वाटर, एयर, सनलाइट, ये सारी चीज़ें हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये हो गई अनकाउंटेबल नाउन। अब जो चीज़ें हम एक एक करके काउंट कर सकते हैं, जिसको हम, फॉर एग्जाम्पल स्टार्स, हम माना अनगिनत स्टार्स हैं इस पूरे यूनिवर्स में, लेकिन फिर भी हम उसको काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4। पानी को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, हम यह कह सकते हैं अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, इसे हमने काउंट कर लिया, तो ये एक हो गया काउंटेबल नाउन। लेकिन सिर्फ पानी को अगर पूरी तरह से देखा जाए तो हम उसे काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए वो अनकाउंटेबल नाउन है। एंड फिफ्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन वही है जो हमारे फाइव सेंसेस नहीं देख सकते। जो हमारे फाइव सेंसेस हैं, फाइव सेंस ऑर्गन्स, आईज, ईयर्स, nose, tongue, skin, ये हमारे फाइव सेंस organs हैं। इनसे हम जो भी चीज़ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं स्किन से, वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होते हैं। लेकिन इनके अलावा जैसे कि इंटेलिजेंस, कॉन्फिडेंस, ये दोनों चीज़ें, जिस इस तरह की चीज़ें हम देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, इनको सुन नहीं सकते, इनको स्मेल नहीं कर सकते,
इनको टेस्ट नहीं कर सकते और स्किन से छूकर महसूस नहीं कर सकते, बट स्टिल वी नो कि ये वहाँ पर है. तो ये सारे होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. मैं थोड़े एग्जांपल्स लिख रही हूँ यहाँ पर जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हैं. इंटेलिजेंस, स्टमक के सारे जैसे हम फील कर सकते हैं बॉडी से, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन हो जाएगा. हेलो हेलो, पेशेंस हो गया, पेशेंस हो गया, और ये सारी चीज़ें जो हैं कॉमन नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं. ठीक है, ओके. पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने नाउन आपको एक्सप्लेन किया है, अब जो है प्रोनाउन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. बिल्कुल नहीं, ओके ओके. प्रोनाउंस होते हैं जो हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं. वर्ड्स दैट वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन्स, जैसे आई, मी, यू, ही, शी, इट, दे, देम, एक्सेट्रा. बहुत सारे होते हैं, इनके मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ. इफ आई से मीरा इज अ वेरी intelligent girl. So यहाँ पर we are talking about Meera. तो ये हो गया noun. अब उसके बारे में हम जितनी बार भी आगे बोलते रहेंगे, हम बार बार Meera use नहीं करेंगे, उसकी जगह हम she use कर सकते हैं. She cooks very well. Her friends name is Priya. अब यहाँ पे she जो है ये हम Meera की जगह use कर रहे हैं, पर जरूरी नहीं है हम हर जगह she use करें, हम her भी use कर रहे हैं. ठीक है, her favorite game her favorite sport is basketball. She likes to play it with her brother. Meera, ये हो गया noun. She जो है ये हो गया pronoun. प्रोनाउन का मैं पी आर लिख रही हूँ, शॉर्ट फॉर्म. हर का हो, हर
जो हो गया ये भी प्रोनाउन हो गया. हर फ्रेंड्स नेम इज़ प्रिया. अगेन दिस इज ऑल्सो अ प्रोनाउन हर. हर फेवरेट स्पोर्ट इज बास्केटबॉल. शी दिस इज अ प्रोनाउन. शी लाइक्स टू प्ले इट. यहाँ पे इट जो है वो बास्केटबॉल को डिफाइन कर रहा है. मैंने बास्केटबॉल एक बार लिखा तो ये है नाउन. और अब इसको मैं बार बार यूज़ नहीं करूँगी. बास्केटबॉल की जगह मैंने इट यूज़ कर दिया बिकॉज ये एक लिविंग थिंग नहीं है, तो इसकी जगह हम इट यूज़ कर रहे हैं. तो इट भी यहाँ पर एक प्रोनाउन है. ठीक है, ओके. वर्ब्स. वर्ब जो है इंग्लिश का सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट होता है प्रेपोजिशन के बाद, और इसको समझना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में देर आर 12 टेंसेस. तो एक वर्ब 12 तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं. तो ये वर्ब्स आपको सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. वर्ब्स जो होते हैं वो होते हैं एक्शन वर्ड्स. अब मैं अगर कहूँ माई फ्रेंड वॉज स्लीपिंग, यहाँ पे स्लीपिंग जो है ये एक वर्ब है क्योंकि ये एक एक्शन हो रहा है. अब माई फ्रेंड वॉज स्लीपिंग When I arrived, जब मैं आई तो मेरी फ्रेंड सो रही थी. तो अराइव, कहीं पहुंचना भी एक वर्ब है. अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स दे रही हूं. फॉर एग्जाम्पल ईट, खाना, पीना, ड्रिंक, प्ले, थिंक, किक समबडी, किसी को मारना. जिसमें भी आपके हाथ यूज़ हो रहे हैं, एक्शंस यूज़ हो रहे हैं, वो सारे आपके वर्ब्स आते हैं. अब मैं यहाँ पे खड़े होकर पढ़ा रही यहाँ पे पढ़ा रही हूँ तो मैं बहुत सारे वर्ब्स एक साथ हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल आई एम टीचिंग, तो टीच वर्ब हो गया. थिंक वर्ब हो गया. राइट ये वर्ब हो गया. स्पीक ये वर्ब हो गया. और पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको नए नए आइडियाज़ भी भेज रही हूँ. वो सारे आपके वर्ब्स हो गए. तो वर्ब्स जो होते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, आपको सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. वर्ब्स की वोकैबुलरी आपको याद करनी पड़ेगी. और ये सारी अब आते हैं हम एडवर्ब्स पर. एडवर्ब्स जो होते हैं ये काफ़ी ट्रिकी होते हैं और ये डिफाइन करते हैं. दे डिफाइन वर्ब्स, एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स. मैं एग्जांपल दूंगी तब आपको समझ में आएगा. मीरा इज इंटेलिजेंट. तो यहां पर मीरा जो है ये हो गया नाउन, इज जो है ये हो गया वर्ब, इंटेलिजेंट जो है ये हो गया एडजेक्टिव. इसको ध्यान में रखना है कि ये एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव की शॉर्ट फॉर्म में ADJ लिख रही हूं. मीरा इज इंटेलिजेंट. She is very intelligent. अब अगेन यहाँ पे intelligent मैंने आपको जैसे बताया था वो adjective है. अब adjective को बता रहा है कि वो ज़्यादा है. तो यहाँ पे जो very है ये adverb हो गया. तो इस adverb ने very जो adverb है इसने define किया intelligent को.
एक मिनट, नेक्स्ट शी रन्स वेरी फास्ट, शी ईट्स वेरी क्विकली। अब यहाँ पे देखिए जो क्विकली वर्ड है, जल्दी जल्दी खाना, कोई एक्शन किस तरह से हो रहा है, जल्दी जल्दी। ईट्स यहाँ पे वर्ड है, ईट को डिफाइन कर रहा है क्विकली वर्ड, तो यह हो गया एक एडवर्ब। ईट जो वर्ड है ये है एक्शन वर्ब, इसको डिफाइन कर रहा है ये एडवर्ब, तो ये एक एडवर्ब हो गया क्विकली। क्विकली कितना हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्विकली, तो क्विकली को डिफाइन कर रहा है वेरी, तो ये भी एक एडवर्ब हो गया। क्विकली ऑलरेडी एक एडवर्ब है जो कि डिफाइन कर रहा है ईट को, और ईट को डिफाइन करने के लिए क्विकली आ गया, एडवर्ब हो गया, और उसी को डिफाइन कर रहा है वेरी। तो वेरी जो तो एडवर्ब जो है एक तरह से वर्ब को भी इधर डिफाइन कर रहा है और दूसरा एडवर्ब को भी डिफाइन कर रहा है। समझ में आया? ओके, फिलहाल मैं अभी यहीं पे स्टॉप करूँगी क्योंकि अभी आपकी मैथ्स की क्लास होगी और बाकी के जो चार उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊँगी।